नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। विश्लेषण के लिए दो खबरें, लेकिन दोनों खबरों का टोन एक ही। एक हिंदी में कहावत है, जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। और जब आप सत्ता पक्ष के साथ है तो फिर इस देश का कोई कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी खबर, एक दिन पहले खबर आती है कि एक्टर सनी देओल का बंगला जो जुहू में है, सनी विला, उसे बैंक ऑफ बड़ौदा नीलाम करने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19/8 को बाकायदा विज्ञापन छपता है। उन्होंने कर्ज लिया था, कर्ज नहीं चुका पाए, काफी लंबी प्रोसेस होती है ऑक्शन के लिए, कोर्ट में जाते हैं मामले, कोर्ट से डिसीजन होते हैं। फिर यह तय हुआ कि अब ये जो बंगला जो मॉर्गेज था तारण के लिए था, वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगी। एक तरफ गद्दार 2 का सक्सेस, दूसरी तरफ बैंक का ऑक्शन नोटिस, और बैंक ने बाकायदा डेट तय की थी कि ये जो बंगला है ये सितंबर में ऑक्शन होगा। उन्होंने टाइम बताया था सितंबर में कब ऑक्शन होगा। 25 सितंबर को 1 से 3 बजे के बीच में आप इस बंगले के बाकायदा ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी नोटिस कहती है। बंगले के डिटेल्स बोलते हैं, अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल गारंटर इस पूरे डील के धर्मेंद्र थे, उनका भी नाम है। सर्वे नंबर 41, हिस्सा नंबर 5 ब्रैकेट में पीटी, सीटीएस नंबर 173 ऑफ विलेज जुहू तालुक तहसील अंधेरी डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन, 5,599.44, मतलब 600 स्क्वायर मीटर का ये बंगला है। गांधीग्राम रोड जुहू मुंबई 4041, न्यू म्युनिसिपल असिस्टमेंट नंबर 00121047, ये विज्ञापन बताता है। और लोग भी लगे हुए थे, पैसे की व्यवस्था कहां से हुई, पैसे जमा करने की बात हुई, ये कुछ पता नहीं। लेकिन एकाएक दूसरे दिन ही जो ऑक्शन नोटिस था, इसमें सुधार नोटिस छपता है और वो कहता है कि टेक्निकल कारणों से इस बंगले की नीलामी टाल दी गई है। टेक्निकल कारण क्या? क्या कोर्ट से स्टे आया? क्या सनी देओल ने पैसे देने देने के लिए हाँ कह दी या कुछ समय मांगा? कोई बात नहीं, बैंक अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सनी देओल मात्र सनी देओल एक्टर नहीं है। सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है, जिस लोकसभा को सालों विनोद खन्ना रिप्रेजेंट कर रहे थे। परिवारवाद पे आपने बहुत प्रधानमंत्री की बातें सुनी होगी, लेकिन सनी देओल गुरदासपुर से सांसद, उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी मथुरा से सांसद, पिता भी बीजेपी से, मतलब हेमाजी भी बीजेपी से और पिता भी राजस्थान से, धर्मेंद्र जी भी सांसद रहे हैं 5 साल के लिए, लोकसभा सांसद। लेकिन फिर अपने ही बीजेपी के लोकसभा सांसद का बंगला नीलाम होना शायद सत्ता पक्ष को नागावार गुजरा होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या औकात, यदि ऊपर से फोन जाए तो
तो तुरंत दूसरे दिन नोटिस निकालकर बंगले की नीलामी रोक जाएगी। आप हमेशा आसपास देखते होंगे, बैंक से छोटा कर्जा भी लो तो बैंक वाले घर पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, अरेस्ट वारंट निकल जाता है, आपकी गाड़ी उड़ जाती है 2 इंस्टॉलमेंट रुकने पे। किसान बैंक के पीछे लगने से आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं व्यापारी बैंक का कर्जा नहीं दे सकती इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी के सगे नहीं हैं। आपकी जरूरत मात्र 5 साल में चुनाव के समय 1/30 सेकंड के लिए लगती है जब वोट डालना होता है, लेकिन जिसे वोट डालते हैं आप वो फिर आपके बाप बन जाते हैं। और फिर आपने देखा सनी देओल का जो हुआ, ये तो एक ऑक्शन था 56 करोड़ का, ठीक है, आगे पीछे बैंक को बताना ही होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई तो आरटीआई डाल, कई लोगों ने आरटीआई डाली होगी। लेकिन एक मसला जो बड़ा सरप्राइजिंग है और वो देश के लिए जानना जरूरी है, आंध्र प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन ने अपने पावर प्लांट के लिए कोयला इंपोर्ट करना चाहा। अब जब कोयला इंपोर्ट करने के जो टेंडर, 6 लाख मीट्रिक टन कोयला इंपोर्ट करना था, तो उन्होंने पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, उनको लगा कि किसी बाहर इस मसले में पड़ने से अच्छा है कि सरकारी एजेंसियों को ही कोयला इंपोर्ट करने की बात कहें तो वो शायद ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। तो एक बड़ी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक पीएसयू है, उसको ये 7 पीएसयू को उन्होंने दिया था, उसमें से इसको फाइनलाइज किया, एनसीसीएफ। इसमें 84% सरकार, केंद्र सरकार के शेयर है, यानी केंद्र सरकार की ही है, कोऑपरेटिव नाम के लिए है। जब आंध्र के कॉरपोरेशन ने इन्हें कागज दिए, तो जिस दिन कागज मिले 7 जुलाई को आखिरी डेट थी, कागज और डेट के बीच में 7 दिन का फैसला था। यानी आप एक समझ लीजिए कि जून 29 तक उनको कागज मिले और उसमें था 7 जुलाई को ये फाइनल करना है। तो एनसीसीएफ के अधिकारी ने ये कहा कि ये शॉर्ट टेंडर इतने शॉर्ट नोटिस पे आया, तो उन्होंने कुछ भी टेंडर वगैरह नहीं देते हुए, एक कंपनी है महर्षि ब्रदर्स कोल लिमिटेड, एमबीसीएल को 2.25% के मार्जिन पर ये काम दे दिया और बोल दिया कि बस यही फाइनल कर दिया है, हम यही सप्लाई करेंगे। 6 लाख टन का बड़ा ऑर्डर, करोड़ों रुपए का, अब्जे रुपए का ऑर्डर था। एकाएक 7 तारीख की जगह 12 तारीख हो गया, 5 दिन बढ़ गए। जब एनसीसीएफ के पास 7 दिन थे तब उनको समय बहुत कम लग रहा था, लेकिन 7 तारीख को जब पता पड़ा कि ये 12 तारीख के लिए और आगे कर दिया है, मतलब 5 दिन आगे कर दिया है, तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कंपनी है एनबीसी महर्षि ब्रदर्स, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, अब टेंडर करेंगे। और ये क्यों हुआ मैं सब बताता हूँ आपको। जब ये टेंडर हुए तो उसमें यौन ट्रेड लिंक्स, स्वर्ण प्रोजेक्ट्स, गुप्ता को लिमिटेड, वही एमबीसीएल पुरानी, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और कोरियो और मिन, इन कंपनियों ने टेंडर भरे। अब इसमें गुप्ता जी जो है उन्होंने 11.3% का मार्जिन पे टेंडर दिया, एमबीसीएल ने वही 2.25 के मार्जिन पे टेंडर दिया, बाकी लोगों ने तो उसमें टेंडर कोट ही नहीं किया, रेट ही नहीं कोट किया। तो टेक्निकली जिन्होंने रेट कोट नहीं किया वो टेक्निकली आउट हो गए।
लेकिन जो एनसीसीएफ था इसने गुप्ता को, स्वर्ण को, एमबीसी एमबीसीएल को, सबको टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया। ये जो व्यायाम था ट्रेड लिंक्स, इन्होंने खुद को विड्रॉ किया, नहीं हमको अब नहीं करना इसमें। अडानी जी भी आउट हो गए थे, लेकिन एकाएक एनसीसीएल के दिल्ली ऑफिस ने तय किया कि अडानी जी को ही दिया जाए, और अडानी जी को 2.25% मार्जिन पे ये ठेका दिया गया। ये 2010 में हुआ। उसके बाद कई भ्रष्टाचार के इसमें फाइलें बनी, रिपोर्ट्स आई, कंप्लेंट्स आई, जिन लोगों ने रिजेक्ट किया वो आ गए, पुराने लोग जो 2.25 पे थे, जो 11% वाला, वो भी बता रहा था कि जिनने भरा ही नहीं रेट उसको कैसा दे दिया आपने। ये बात चलते चलते 2020 तक आई। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सिविल सप्लाईज, जो एक वहां डायरेक्टर थे, जॉइंट डायरेक्टर, उन्होंने सीबीआई को यह मामला रेफर किया। सीबीआई ने 3 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया और एफआईआर दर्ज की अडानी जी के खिलाफ, एनसीसीएफ के चेयरमैन, एनसीसीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक अधिकारी सिंगल, उसके खिलाफ, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी गुप्ता के खिलाफ, और एक सिंह साहब थे जिनके खिलाफ, जो चेयरमैन होते उनको भी लपेटा गया। 3 साल बाद जब एफआईआर दर्ज होती है तो इस एफआईआर में सीबीआई ये कहती है कि गलत तरीके से अनड्यू फेवर करते हुए जो कंपनी रिजेक्ट हो गई थी, टेक्निकली फे अनफिट थी, उसको ये सप्लाई दिया गया। जो टेंडर की शर्तें थी उसको सबको साइट को हटाते हुए अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को ये सप्लाई दिया गया, इसलिए चार्जशीट फाइल होती है। 2020 में चार्जशीट फाइल हुई, 2023 में आज सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि हमें इस भ्रष्टाचार में कुछ नहीं मिला। इस केस में आदरणीय अडानी जी भी नापाक है, बिल्कुल पाक साफ है, विजय सिंह भी बेचारे पाक साफ है, जो चेयरमैन थे एमडी गुप्ता जी भी, उनका कोई बेचारे तो बिल्कुल सच्चे इंसान है, सिंगल साहब की कोई गलती नहीं थी, इसमें कुछ गलत हुआ ही नहीं। और क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को दी। अब स्पेशल कोर्ट तय करेगा कि क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्या अडानी जी को यह डर था कि कहीं सरकार आगे पीछे हो गई तो ये मेरा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा, इसीलिए सीबीआई से इंक्वायरी करके क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल करवा दी ताकि कानूनन रूप से मामला रफा दफा हो? क्या ये हुआ है, या सीबीआई को ये पता पड़ गया है कि आपने सरकार के दामाद के खिलाफ क्या ये हरकत कर दी और सरकार और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की? सवाल है, 3 साल तक सीबीआई क्या करती रही? यदि सीबीआई को इसमें कुछ मिला ही नहीं तो चार्जशीट फाइल करने की जरूरत क्या थी? चार्जशीट फाइल करते समय जो चीजें सीबीआई ने कही, यदि वो सच है तो फिर अब क्लोजर रिपोर्ट क्यों? या तो तब भंग खा के
एफआईआर फाइल की या आज भंग खा के नशे में क्लोजर रिपोर्ट दी गई है, या तब किसी के फोन पे एफआईआर हुई और या किसी के फोन पे आज क्लोजर रिपोर्ट हुई, यह सवाल जनता के पास है। सनी देओल का मामला हो या अडानी जी का मामला हो, यदि आप सत्ता के साथ है तो आपका भ्रष्टाचार भी सदाचार होता है, आपका व्यभिचार भी राष्ट्रप्रेम होता है, और यदि आप सरकार के साथ नहीं है तो फिर आप राष्ट्रद्रोही हैं। तमाम एजेंसियां 24 घंटे दूरबीन लगा के आपको देख रही हैं, आप नहीं भी हो तो उठा रही है, जेल में ठूस रही है। महीनों बाद आप वापस आते हैं, जिनमें दम है वो वापस आते हैं, जो टूट जाते हैं वो फिर कमल ब्रांड साबुन से नहा लेते हैं। ये दो खबरों का विश्लेषण इस अमृतकाल बनाम, मतलब मुझे तो ये विषकाल लगता है, इसमें आपके सामने लाना जरूरी समझा, इसलिए आज इतना ही। फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा चैनल उल्टा चश्मा।